आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा रेसिपी लेके, वो ढक्कन पीठा और वो अरवा चावल का बनता है। तो चलिए देखते हैं अरवा चावल का पीठा वो कैसे बनता है। ढक्कन पीठा में खाली चार चीज़ ज़रूरत पड़ता है, गुड़ी और चीनी और मिल्क और स्वाद अनुसार नमक। इतने से में ढक्कन पीठा बन जाता है, ना तेल लगता है ना मसाला। बिना तेल का ही, बिना मसाला का ही ये पीठा बहुत स्वादिष्ट है। अरवा चावल ये जो है अच्छी तरह से धो लिए हैं, अभी इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा और अभी इसको 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं, 10 मिनट हो गया है। हम जो चावल भिगो के रखे थे अभी उसको हम छान लेंगे। इसको हम अभी छलनी के सहायता से चावल को छान लेंगे। मेरे पास ये छलनी है, इसके साथ से हम छान रहे हैं। और आपके पास अगर दूसरा कुछ अवेलेबल है तो फिर आप उसी से छान सकते हैं। अरवा चावल मैंने आधा किलो लिए थे, चावल हम छान लिए हैं और एक्स्ट्रा जो पानी है वो देखिए वो निकल रहा है। अब उसको भी सुखा देंगे 5-10 मिनट के लिए। इसको कपड़ा के सहायता या फिर पेपर के ऊपर में डाल के सुखा लेंगे। हम सूप के ऊपर एक पेपर दे दिए हैं। अभी इसमें अरवा चावल सुखाएंगे 10 मिनट के लिए। इसका जो पानी एक्स्ट्रा है वो सूख जाएगा तो पीसने में आसानी हो जाएगा। फैन के नीचे अभी 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। अब 5 मिनट के लिए धूप में भी डाल सकते हैं, पर अभी बरसात के समय है तो धूप तो है नहीं, इसलिए हम पंखे के नीचे से सुखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए जितना पानी था वो पूरा निकल गया है। अभी इसको मिक्सी के ग्राइंडर से पीस लेंगे। पीस लिए हैं, अभी छलने के सहायता से इसको छान लेंगे। मेरा गुड़ी हो गया है, अभी पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। गुड़ी में अभी नमक डालेंगे, यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिए हैं, इसको मिलाएंगे। मेरा पानी गर्म हो गया है, उबलना भी शुरू होने लगा है। अभी थोड़ा थोड़ा करके गुड़ी में अभी डालेंगे। मेरा जो गुड़ी का बैटर है वो बनके तैयार है। ये बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, इस तरह होना चाहिए। अगर पतला हो गया तो तुरंत थोड़ा सा और गुड़ी मिला दीजिएगा, उतना पतला नहीं होना चाहिए और उतना मोटा भी नहीं, बस इस तरह बेटर होना चाहिए। ये जो कढ़ाई है इसमें अभी बनाएंगे, इसको अभी गर्म होने के लिए
दे देंगे। अब इधर दूध गर्म होने के लिए रख देंगे। अभी मेरा जो कढ़ाई है वो कढ़ाई गर्म हो गया है। अभी धीमी आंच में 3-4 मिनट के लिए रख देंगे। मेरा दूध गर्म हो गया है, अब इसमें हम चीनी मिलाएंगे। इसमें हम लगभग थोड़ा कम है, 1/4 से चीनी डालेंगे। अभी चीनी को इसमें मिलाएंगे। अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो और भी डाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से हुआ है। इसको अभी ये दूध में दे देंगे। अभी हीटर बंद करते हैं। इसको अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी चूल्हा बंद कर देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा पानी दे देना पड़ता है और आँच तो थोड़ा सा धीमी करना पड़ता है ताकि धीरे धीरे से वो सीज जाए। 2-3 मिनट हो गया है तो एक बार बीच में चेक कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा से फूल गया है, इसका मतलब वो पक गया है। इसको भी अभी दूध में डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छे से बढ़िया से फूल गया। हेलो फ्रेंड्स, ये मिल्क वाला है और ये सूखा वाला है। तो मिल्क वाला भी बहुत सॉफ्ट है, एकदम रुई तुलतुले जैसा बन गया है एकदम। तो और ये भी एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है। तो आप लोगों को कौन वाला अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।